ये देखो ये है गोपाल, अभी हमने खाना खाया है और मीठा खाने के लिए हम लोग देख रहे थे, ये ताजी कह रहे हैं इमरती बना रहे हैं, ठीक है। और हमने पूछा कब की है तो ये कह रहे हैं जी सर सुबह ही बनाया था। और ये तो बाय चांस नज़र पड़ गया, ये देखो ये हालात है, ये हालात हैं, ये देखो ये खिला रहे हैं लोग हमें। और दिखा दे रहा और नहीं कहते हैं, खोलो इसको, ये देखो खोलना इसको, ये देखो ये खिला रहे हैं ये हमें। ओ हो 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 हो, बुला ले, अब जिसको बुलाना है बुला ले, ये खिला रहे हैं ये लोग हमें, ये देखो बहुत बढ़िया ताजी, वाह। कितने दिन की है ये? दिन तो जितने सालों की पूछो, हाँ सुबह आया है ये, ये देखिए कोई सा भी खोल के देख लो, सब में यही हालत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उल्ली तो उल्ली, ये देखो जी पर पीस, वाह जी वाह। गोपाल स्वीट्स, जाना मन्ना नाम, गोपाल स्वीट्स का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है, लजीजदार मिठाइयां ही मिठाइयां। लेकिन इसी गोपाल स्वीट्स सेक्टर 20 पंचकुला की दुकान से मिठाई में फफूंदी मिली। एक ग्राहक यहां पर आया, उसने इमरती मांगी और सेक्टर 20 गोपाल स्वीट्स द्वारा इन्हें फफूंदी लगी हुई इमरती दे दी, इमरती में फफूंदी लगी हुई, जितने भी पीस देखे सब पर फफूंदी, बड़े नाम फीके पकवान, ऐसा ही कुछ यहां पर सिद्ध होता हुआ नजर आया। सारा मामला पंचकुला के सेक्टर 20 में गोपाल स्वीट्स पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी भी हो गई। पंचकुला के सेक्टर 20 गोपाल स्वीट्स में खराब इमरती मिठाई ग्राहक को दिए जाने की शिकायत मिलने पर फूड सेफ्टी विभाग पंचकुला द्वारा यहां पर छापेमारी की। डॉक्टर गौरव शर्मा ने बताया कि सेक्टर 20 गोपाल स्वीट्स से किसी ग्राहक ने इमरती खरीदी थी और उस पर फंगस लगी हुई। उन्होंने कहा कि मिठाई के सैंपल लेने के बाद जाँच के लिए करनाल लैब में भेजे गए हैं और इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आने वाले एक या दो महीने के बाद फेस्टिवल सीजन है और ये जितनी बड़ी दुकानें हैं क्या सबको यहाँ पर आंखें मूंद कर मिठाई खरीदनी चाहिए, क्योंकि जितने भी नामचीन मिठाई वाले हैं, दुकान वाले हैं, उनकी मिठाई अमूमन साफ सुथरी और अच्छी होती है, लोग इसी विश्वास से महंगी मिठाई इन दुकानों से खरीदते हैं। लेकिन इस एक चुका देने वाले तथ्य सामने आया कि इन बड़ी दुकानों पर भी क्या ऐसी मिठाई मिलती है, ग्राहक को चौकन्ना रहना होगा। रिगार्डिंग मैम, हमें परसों इस रिगार्डिंग शिकायत मिली थी, यहाँ किसी कस्टमर ने इमरती बाय करी थी और उस इमरती में थोड़ा फंगस उन्हें देखने को लगा, तो कंप्लेंट हमारे पास आई थी लेट, कल यूनियन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, उस वहाँ पे हम थे, तो आज हम यहाँ पे आए थे लेट पे, तो इनका हमने इमरती का सैंपल लिया है, सब चेकिंग कर ली है, कुछ वैसे तो हमें कुछ खास दिक्कत इनकी स्टोरेज में और वैसे नहीं लगी है, अगर कोई दिक्कत है छोटी मोटी तो हमने इनको बता दी है और उसकी रिगार्डिंग वापस से चेकिंग की जाएगी हफ्ते बाद।